नाज़रीन, अल्लामा इश्तियाक अलम ज़िया शाहबाज़ी भागलपुरी अली रहमतु व रिज़वान तकरीबन 203 ईस्वी में मसनद सज्जादगी पर फाइज होते हैं और तकरीबन 7.5 साल तक मसनद सज्जादगी पर फाइज रहते हैं। यूँ तो आप जानते हैं कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही है, क्योंकि कुरान का वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर वी रूह को मौत का मजा चखना है। और इसी तरीके से अल्लामा इश्तियाक अलम ज़िया शाहबाज़ी भागलपुरी अली रहमतु व रिज़वान ने भी इस मजे को तकरीबन 1 जमादिल आखिर 1443 हिजरी बामुताबिक 4 मई 2011 में आपने इस मज़े को चखा और आप अपने पीछे हज़ारों की तादाद में मोहब्बत करने वाले को, चाहने वाले को, मुरीदीन को, खुलाफा को छोड़ करके आपने दाई अजल को आपने लब्बैक कह दिया, इन्ना दिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका मजार शरीफ आस्ताने आलिया शहबाजिया भागलपुर के अंदर में आपके वालिदे गिरामी के दाएं पहलू में है। जब आपसे किसी ने आपका तारुफ पूछा था कि आप कौन हैं, तो आपने अपना तारुफ कुछ इस तरह से किया था इस शेर में कि बंदे सैयद हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ, मुझको कहते हैं इश्तियाक आलम, मैं तो फैजाने शाहबाजी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि आपके फैज़ो बरकात से हम तमाम को मालामाल अता फरमाए, आपकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमाए, आपसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अल्लामा इश्तियाक अलम ज़िया शाहबाज़ी भागलपुरी अली रहमतु व रिज़वान के हवाले से जो बातें मुझ तक पहुँची थी या जो नॉलेज मेरे अंदर में थी वो मैंने आपके सामने में रख दी है। अगर इसमें किसी तरह की भी कोई भी गलतियाँ हो गई हो तो आप बखूबी इसलाह कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी जो मैंने आपकी ज़िंदगी के बारे में बताई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी के बारे में हर एक को सही मालूम हो सके। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो किसी दूसरे टॉपिक पर फिर आगे हम कभी बयान करेंगे। मिलते हैं फिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।